शरीफ थे, बस सीओ थाना इंचार्ज को निकाल दो यहाँ से, तब मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये रोती विलखती हुई आंखें एक माँ की निराशा को बयां कर रही है। वीडियो में दिख रही ये लेडी देवांश की माँ है। देवांश इस रोती कलपती माँ का बेटा है, जिसके बेटे को बड़ी ही दरिंदगी के साथ हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि देवांश की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का तिवारी पर लगा है। उसने इस वारदात को उसके बॉयफ्रेंड राहुल सेठ, उसके एक और दोस्त शादाब आलम के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड राहुल और उसके दोस्त शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर अनुष्का और देवांश के अफेयर की शुरुआत कैसे हुई और क्यों उसने अपने एक्स की हत्या की। दरअसल ये दिल दहला देने वाली खबर वाराणसी की है, जहां बड़ी ही बेरहमी से एक युवक की हत्या कर शव को हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया। शव की पहचान फरुखाबाद के रहने वाले देवांश यादव के तौर पर हुई। आरोप है कि लड़की ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पुराने लवर की हत्या कर दी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब देवांश को इस बात की भनक लगी कि उसकी एक्स किसी और के साथ रिलेशन में है। पहले उसने इसका विरोध किया, फिर अनुष्का पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन अनुष्का को बॉयफ्रेंड की टोका टाकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद देवांश से पीछा छुड़ाने के लिए अनुष्का ने देवांश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और नए प्रेमी राहुल के साथ मिलकर देवांश को फोन कर वाराणसी बुलाया और वारदात को अंजाम दे दिया। वाराणसी पहुंचते ही देवांश एक होटल में ठहरा, जिसके बाद देवांश की एक्स गर्लफ्रेंड ने देवांश को अपने पास मिलने के लिए बुला लिया। जब देवांश वहां पहुंचा तो अनुष्का ने घूमने की बात कहकर कार में बिठाया। सफर के दौरान अनुष्का अपने प्रेमी के साथ देवांश को धोखे से जूस में नींद की गोलियां मिलाई और पिला दी। इसके बाद देवांश बेहोश हो गया। देवांश के बेहोश होने के बाद उसे गिट्टी के ढेर पर पटक पटक कर मार डाला गया। राम किशोर यादव अपने बच्चे की गुमशुदगी देवांश की थाना भेलूपुर में दिनांक 29/5/2023 को पंजीकृत कराया था। गुमशुदगी के आधार पर देवांश की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान 8 जून 2023 को इसमें FIR पंजीकृत की गई और खोजबीन करते हुए इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला अभियुक्त है और एक राहुल सेठ है और एक शादाब है। शादाब और राहुल सेठ जौनपुर के रहने वाले हैं और महिला कानपुर की रहने वाली है। ये लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का गायब था देवांश, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके साथ रहती थी। आपस में इनमें खटपट हो गई तो उस पर राहुल सेठ और वो महिला और शादाब तीनों ने मिल करके एक योजना के तहत इसकी हत्या करके सड़क किनारे चंदौली मार्ग पर डेड बॉडी को मुगल सराय के पहले फेंक दिए थे। और फिर इसके बाद राहुल सेठ दिल्ली चला गया था और जो महिला है वो अपने घर चली गई थी और ड्राइवर जौनपुर चला गया था। इसमें टीम जो है वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी किए हैं। बहरहाल पुलिस ने हत्या के इस मामले में मृतक की एक्स गर्लफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड और एक और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।